सो यस गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल यस टीवी पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त गुरप्रीत। तो जैसे कि हम आपसे अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं टॉपिक्स पे नहीं, एक कहानी पर बात करने आई हूँ। एक कहानी के जरिए आपको बात समझाने आई हूँ। महान फिलोसोफर सुकरात से एक बार किसी ने पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, तो उन्होंने उसे बिना कोई जवाब दिए उसे सिर्फ इतना कहा कि कल सुबह तुम नदी के पास मुझे मिलना। तो जब वो सुबह गया नदी के पास उसे मिला, तो वहां पर जाकर उसने कहा कि बताइए मुझे कि क्या रहस्य है सफलता का। तो उन्होंने कहा कि पानी के बीच जाकर पानी की गहराई मापो, और वैसे ही उसने कहा किया भी, और नदी में गया वो और नदी में जाकर उसकी गहराई मापने लगा, तो पीछे से सुकरात ने उसका जो मुंह है वो पानी में डुबो दिया और वो बहुत ही ज्यादा झटपटाने लगा। उसके बाद में जब वो बहुत तेज झटपटाने लगा, लेकिन सुकरात भी थोड़े स्ट्रांग थे, उन्होंने अपनी भी जान लगाकर उसे पानी से बाहर नहीं निकाला। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया और उसने फटाफट से अपना मुंह जो है बाहर निकाला और सांस लिया। तो उस वक्त फिर सुकरात ने उस पर्सन से पूछा कि अब बताओ कि जब मैं तुम्हें डुबा रहा था तो तुम्हें सबसे पहले क्या लग रहा था, तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट था। तो उसने जवाब दिया कि मेरे लिए सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था कि मैं फटाफट से पानी से बाहर निकलूं और सांस ले लूं। तो उन्होंने कहा कि बस सफलता भी कुछ इसी तरीके की होती है, जिस तरीके से तुम झटपटा रहे थे पानी से बाहर निकलने में, वैसे ही तुम्हें अपनी सफलता को पाने के लिए भी झटपटाना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर ऐसी जो है कोशिश होगी तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरूर अपना कमेंट दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।